हेलो फ्रेंड्स, बॉस एंड बेब के सेकंड एपिसोड के सेकंड पार्ट में हम देखते हैं जब गन डिनर करके वहां से चले जाता है तो लियम अपने फ्रेंड के पास जाता है और वहां पर उसके फ्रेंड लियम को घूर रहे होते हैं। तभी जैक लियम से पूछता है क्या उन दोनों में कुछ चल रहा है, क्योंकि वो गन को किसी के साथ इतना क्लोज नहीं देखा था। तो लियम ये सुनकर कहता है क्या ये अच्छा नहीं है कि उसका फ्रेंड बॉस का इतना क्लोज है, अगर जैक कभी भी किसी प्रॉब्लम में रहा तो वो हेल्प कर सकता है। तो ये सुनकर लियम का एक फ्रेंड लियम को अपने बॉस से इतना क्लोज होने का फ़ायदा उठाने को नहीं बोलता है और कहता है क्या उसे नहीं मालूम है कि गन का एक पेनफुल पास्ट है। तो लियम बोलता है उसका कहने का मतलब ये नहीं था। तो वो सब पूछते हैं वो क्या अभी करना चाहता है। तो लियम यहाँ पर कुछ नहीं बोल पाता है और सोच में पड़ जाता है और सोचते हुए कहता है कि उसका आवाज़ सिर्फ गन को सोने में हेल्प करता है, जिसे सुनकर गन का नींद आ जाता है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो थ्री यहाँ पर कहता है अगर इसके अलावा और कुछ नहीं है तो लियम को गन से डिस्टेंस रखना चाहिए, क्योंकि एवरी नाइट कॉल पर बातें करने की वजह से कहीं उन दोनों के रिलेशन में कुछ चेंजेस ना हो जाए, जैसे कि जो और उसके बीच में है। और इसके बाद जब गन अपने रूम में होता है तो वो अपना और थैंक का फ़ोटो देख रहा होता है। तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थैंक गन से कह रहा होता है कि वह दूसरों का बात क्यों नहीं सुनता है, सिर्फ इसलिए कि कंपनी उसके पैसे से बिल्ट हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो चाहे वो कर सके। और ये कहते हुए थैंक कहता है कि वो उस वक्त तक बात नहीं करेगा जब तक कि गन उसको एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट ना करके फ्रेंड की तरह करे, और ये कहकर वहाँ से चले जाता है। और इसके बाद गन ये सब सोच रहा होता है और वो जैसे ही सोने जाता है तभी लियम का वीडियो कॉल आता है और लियम गन से पूछता है क्या उसे नींद नहीं आ रहा है। तो गन कहता है कि उसे नींद नहीं आ रहा है और पूछता है कि वो कहा था कि वो लेट हो जाएगा, लेकिन अभी 11 भी नहीं बजा है। और गन लियम से कहता है अगर वो लियम से बात नहीं कर पाता तो उसे नींद नहीं आता। तो लियम कहता है अगर उसे नींद नहीं आ रहा है तो वो उससे बात कर सकता है, जिसे सुनकर गन बोलता है लियम ऐसा बोल रहा है कि वो हमेशा से उससे बात करने के लिए रेडी है। और जब लियम गन को ये सब कहते हुए सुनता है तो गन से बोलता है क्या वो चैलेंज कर रहा है, अगर ये चैलेंज है तो वो हमेशा हारने से सख्त नफरत करता है। तभी गन उसे चैलेंज ही देता है जब तक कि वो सो ना जाए तब तक लियम उससे बात करता रहेगा, और लियम इसे एक्सेप्ट कर लेता है। और इसके बाद ये सब सो जाते हैं। और नेक्स्ट डे जब लियम ऑफिस में होता है तो ओई उससे कहती है कि बॉस के लिए कॉफ़ी नहीं लाने के लिए, क्योंकि वो आज नहीं आने वाले हैं। तो लियम यहाँ पर ये भी कहता है कि आज जैक भी ऑफिस नहीं आया है क्योंकि उसका तबीयत ख़राब है। और इसके बाद ओई कहती है बॉस आज यहाँ पर नहीं है तो वो सब आज टिकटॉक वीडियो बनाएंगे। और इसके बाद जब गन ऑफिस में आता है तो लियम उसे देखकर पूछता है कि वो आज नहीं आने वाला था। तो गन कहता है कि उसका काम ख़त्म हो जाने की वजह से वो आज ऑफिस आ गया है। और गन ये सब कहते हुए लियम को कॉफ़ी लाने को बोलता है, तो लियम कॉफ़ी लाने चले जाता है। और इसके बाद जब लियम ओई को देख रहा होता है तो वो उससे पूछता है क्या वो किसी का वेट कर रही है। तो ओई कहती है उसके पास एक डॉक्यूमेंट डिलीवर होने वाला है, पर आज उसका बॉयफ्रेंड भी कॉल किया है और ओई से कहा कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है, जिस वजह से अब वो क्या करेगी क्योंकि उसे वो डॉक्यूमेंट भी लेना है, तो दूसरी तरफ उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलना है। तो ये सुनकर लियम उसे कहता है कि वो ये डॉक्यूमेंट रिसीव कर लेगा। तो ओई कहती है कि वो घर कैसे जाएगा क्योंकि यहाँ पर बारिश होने वाली है, और लियम को मना करती है और कहती है कि वो ये सब खुद देख लेगी, पर फिर भी लियम ओई से कहता है कि वो ये सब देख लेगा और उसे परेशान नहीं होने को बोलता है। तो जैसे ही ओई ये सब सुनती है तो वो एक्साइटेड होकर वहाँ से चले जाती है। और जब रात हो जाती है तो लियम वो डॉक्यूमेंट को रिसीव कर लेता है और वो डॉक्यूमेंट रखते हुए विश मांगता है कि जब तक वो घर ना पहुंच जाए तब तक बारिश ना हो। और जैसे ही घर के लिए जा रहा होता है तभी बारिश हो जाती है और ऑफिस के बाहर बारिश का रुकने का वेट कर रहा होता है। तभी गन अपने कार के साथ आता है और लियम से कहता है कि वो उसे घर तक ड्रॉप कर देगा। तो लियम इसके लिए रेडी हो जाता है और जब लियम कार के अंदर जाता है तो लियम बारिश की वजह से भीग जाता है। तो गन उसे टिश्यू पेपर यूज़ करने को बोलता है, पर यहाँ पर लियम उसे मना कर देता है क्योंकि थोड़ी सी बारिश के पानी की वजह से वो बीमार नहीं हो सकता था। पर यहाँ पर पता चलता है कि गन लियम को कार के सीट का पानी को क्लीन करने के लिए बोल रहा होता है, और हम लियम को देखते हैं जिसका बहुत बेइज्जती हो जाता है। तो लियम सीट को क्लीन कर देता है। और इसके बाद जब गन लियम से उसके घर का एड्रेस पूछता है तो लियम गन को एड्रेस बता देता है
और गन से पूछता है कि वो इतना लेट से घर क्यों जा रहा था। तो गन कहता है कि वो हमेशा से लेट घर जाता है क्योंकि उसे सिर्फ अपनी कंपनी को देखना है। और इसके बाद जब गन लियम को ड्रॉप कर देता है तो लियम उसे थैंक्स कहते हुए गन से उसका एड्रेस पूछता है और पता चलता है कि गन का घर यहाँ से बहुत दूर है। तो जब तक वो अपने घर पहुँचेगा तब तक उसे ट्रैफिक में फंसे रहने की वजह से उसका घुटना जवाब दे देगा, जिस वजह से लियम गन को अपने घर पर वेट करने को बोलता है उस वक्त तक जब तक ट्रैफिक क्लीन ना हो जाए, और नूडल्स के लिए पूछता है। तो गन इसके लिए रेडी हो जाता है और वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। और जब लियम नूडल्स बनाकर आता है तो वो दोनों नूडल्स खाने लग जाते हैं। तो गन को नूडल्स अच्छा लगता है और उसे तारीफ़ करता है। तो ये सुनकर लियम को जैसे ही प्राउड फील हो रहा होता है तभी गन लियम से कहता है कि वो हमेशा हेल्दी फूड खाता है, तो कभी कभी इस तरह का फूड खाना अच्छा लगता है। तो लियम ये सुनकर बोलता है कि वो डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट दे सकता है, और ये दोनों नूडल्स इंजॉय करने लगते हैं। और इसके बाद जब गन विंडो के पास होता है तो वहाँ पर लियम आता है, और लियम गन से गेम के बारे में पूछता है। क्या वो गेम को लेकर डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, जिस वजह से वो अभी तक सोचकर परेशान है। तो गन लियम से बोलता है कि वो ज़रूर थैन के बारे में जानता होगा। तो जैसे ही लियम ये सुनता है तो जैक का बोला हुआ बात याद आता है, जहाँ पर जैक कह रहा होता है कि इस कंपनी का पहले दो बॉस था, और जैक लियम को कभी भी थैन के बारे में बॉस के सामने बात करने को मना करता है। और इसके बाद गन कहता है कि सिर्फ वही रीज़न है जिस वजह से थैन कंपनी को छोड़कर चले गया है। और गन अपने आप को बैड गाय बोलता है जिसके पास कोई फ्रेंड नहीं है और वो एंटी सोशल है। तो लियम कहता है कि ये सब जो कह रहा है वो ऐसा कुछ नहीं है, और ये भी कहता है कि वो पहले भी कहा है कि गन पहले किस तरह से लोगों से मिला है इससे कोई मतलब नहीं है, पर अभी वो उसके साथ है। और यहाँ तक कि वो और उसके फ्रेंड गन से डिस्कस्टेड फील नहीं करते हैं। और लियम गन को देखकर बोलता है क्या वो बिलीव नहीं कर पा रहा है, और गन से पूछता है क्या गले मिलना काफ़ी नहीं था, तो क्या उसे इससे भी बढ़कर कुछ चाहिए। तो यहाँ पर गन कहता है क्या वो किस करेगा। तो ये सुनकर लियम बोलता है अगर वो चैलेंज कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि वो हारना पसंद नहीं करता है। तो ये सुनकर गन लियम के क्लोज जाता है और बोलता है कि लियम को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो चैलेंज करने के लिए खुद तैयार है, और ये बोलते हुए गन लियम को किस करता है। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है।